तो आगे बढ़ते हैं। नोएडा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, बता रहे हैं कि 1718 करोड़ की परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। 124 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। नोएडा स्टेडियम में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पतला सिग्नेचर ब्रिज और साथ ही साथ अंडरपास का उद्घाटन भी किया जाएगा। तो आज नोएडा वासियों के लिए बड़ा दिन, क्योंकि बड़ी सौगात यहां पर मिलने जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तो आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां पर आज नोएडा को बड़ी सौगात मिलेगी। 124 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा, लोकार्पण होगा। तो आपको बता दें कि पतला सिग्नेचर ब्रिज और अंडरपास का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण आज का दौरा है। नोएडा स्टेडियम में जनसभा को संबोधित भी आज मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं सीएम योगी के नोएडा दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएम योगी के नोएडा पहुंचने से पहले इंडिया न्यूज संवाददाता ने कार्यक्रम स्थल का पहुंचकर वहां पर जायजा लिया है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए आप। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर बाद नोएडा पहुंचेंगे और पीछे मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से जो काम है वो तेजी से चल रहा है। देखिए, बारिश के कारण थोड़ा काम रुक गया था, मगर तमाम कर्मचारियों के द्वारा काम को किया जा रहा है। बारिश के जो पानी है उसको देखिए कैसे बोतल के सहारे दूसरे चीजों में डाला जा रहा है और तमाम चीजों को सजाया जा रहा है। खास तौर पर इस मंच को देखिए, मंच पर साफ तौर पर लिखा है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंचेंगे 1718 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसमें विशेष तौर पर आपको बता दें पतला जो सिग्नेचर ब्रिज है, एडवांस अंडर पास और वेदवन पार्क, उन जैसी विशेष परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिससे नोएडा वासियों को खासतौर पर फायदा पहुंचेगा। तस्वीर में आपको दिखा दूं किस तरीके से देखिए जो धीरे धीरे बीजेपी के कार्यकर्ता है और जो आम लोग हैं वो मंच पे कुर्सियों पर पकड़ कर चुके हैं, क्योंकि देखिए लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से नोएडा एनसीआर के जो भारी बारिश के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकले, तो मगर धीरे धीरे देखिए लोगों में कितना उत्सुकता है और विद्यार्थी के साथ साथ जो आम लोग हैं वो भी अब धीरे धीरे पहुंच रहे और सबके मन में यही कहना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश का विकास कर रहे हैं और कोई ऐसा मुख्यमंत्री विकास नहीं कर सकता। खासकर देखिए यहां अगर हम बात करें महिलाओं के साथ साथ नौजवान बूढ़े बुजुर्ग तमाम तरह के लोग यहां मौजूद हैं और धीरे धीरे लोग अपने घर से निकल रहे हैं मुख्यमंत्री को सुनने के लिए, अपने यहां मंच तक पहुंच रहे। पंडाल काफी बड़ा बना रखा है। देखिए खासतौर पर अगर पंडाल की बात करें तो पंडाल में बताया जा रहा है कि 5000 से अधिक लोग बैठ सकते हैं। दूसरी तरफ जो पंडाल है पूरी तरीके से वाटर प्रूफ है, तो अगर बारिश भी आती है, आंधी भी आती है, तो काफी चीज से बचाव मिलेगा। देखिए धीरे धीरे जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आपको बता दें 10:30 बजे के बाद जो मुख्यमंत्री यहाँ मंच पे होंगे उनके साथ जो नंदगोपाल नंदी है, सांसद जो स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा वो होंगे, बीजेपी विधायक होंगे, जो नोएडा प्राधिकरण के सीईओ है ऋतु महेश्वरी, गौतम जिला अधिकारी वो मौजूद होंगे। तमाम परियोजनाओं का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है लोकार्पण करेंगे और नोएडा वासियों को बड़ी सौगात देंगे। इंडिया न्यूज से महेंद्र माही नोएडा। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने रिपोर्ट देखी जहां पर तैयारियां पूरी चल रही हैं, संवाददाता महेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। महेंद्र, जिस तरीके से लगातार तैयारी पूरी कर ली गई है, मुख्यमंत्री आज पहुंचेंगे, बड़ी सौगात भी आज देने जा रहे हैं, फिलहाल नोएडा स्टेडियम में क्या कुछ और देखने को मिल रहा है, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए हम मंच के बिल्कुल सामने मौजूद है और देखिए मंच पे तमाम जो जनप्रतिनिधि वो मौजूद है। खासकर हम बात करें गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर, नोएडा से विधायक पंकज सिंह, तमाम जो अधिकारी तमाम जो विधायक सांसद मौजूद है और जो सीएम योगी है वो भी नोएडा पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर में मात्र से कुछ मिनटों में यहाँ पंडाल में आएंगे, तकरीबन 1700 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। मैं तस्वीरों में पीछे दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरीके से भारी बारिश के चलते बावजूद भी जो कार्यकर्ता है उनके अंदर बड़ा जोश है। सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पंडाल में मौजूद है और बारिश के बावजूद भी लगातार हम देख रहे थे किस तरीके से कार्यकर्ताओं में काफी जोश है और एक ही नारा लगा रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम, और ये कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उनके जैसा जो विकास किया है वो कोई नेता नहीं कर सकता, जो मुख्यमंत्री है जो जैसे सीएम वो किसी प्रदेश को नहीं मिल सकते। तस्वीरें देखिए, जब मुख्यमंत्री यहाँ नोएडा आएंगे तो कुछ ही देर में मंच से जो 1700 करोड़ रुपए का परियोजना का शिलान्यास है, जिसमें सिग्नेचर फ्लाईओवर की बात करें, वेदवन पार्क की बात करें या एडवांट अंडरपास की बात करें, आपको बता दें कि जो वेदवन पार्क है उसमें खास तौर पर दिखाया जाएगा ऋषि मुनियों, हमारी जो संस्कृति हमारा जो कल्चर है उसको दर्शाया जाएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री 55 वाहन पुलिस को सौंपेंगे, 55 नए वाहन
यानी कि अगर बात करेंगे महिला सुरक्षा के लिए जो मुख्यमंत्री पत्र नए वाहन पुलिस को सौंपेंगे ताकि देर रात कोई महिला बाहर निकलती तो उनकी सुरक्षा में सारी चीज मुहैया हो सके। देखिए नोएडा एनसीआर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत तेज बारिश हो रही थी मगर उसके बावजूद भी पंडाल में ऐसे लोग आए हैं और पंडाल में जगह नहीं है लोगों की बैठने की मगर उसके बावजूद भी लगातार बूढ़े बच्चे नौजवान तमाम जो लोग हैं वो पंडाल में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं देखिए सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं मगर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक झलक बस देखने आए हैं, उनकी बात सुनने आए हैं कि आखिर मुख्यमंत्री जब नोएडा इस मंच पर आएंगे तो क्या क्या बातें बोलेंगे, नोएडा की जनता के लिए क्या ऐसी महत्वपूर्ण खास बातें रहेंगी। मगर देखिए जो नोएडा का सिग्नेचर ब्रिज है जिसको लेकर बहुत सालों से लोगों की नजर थी कब वो सिग्नेचर ब्रिज खुलेगा क्योंकि वहाँ बहुत लंबा जाम लगता था, उससे देखिए नोएडा ग्रेटर नोएडा और दिल्ली गाजियाबाद के लोगों को काफी राहत मिलेगी क्योंकि देखिए जब जब लोग वहाँ से गुजरते थे एक एक घंटे दो दो घंटे वहाँ पे इंतजार करते थे मगर कहीं ना कहीं उस सिग्नेचर ब्रिज का जब इनोग्रेशन होगा तो लाखों लोगों को फायदा होगा। उसके बाद वो जाएंगे वेदों पार्क आपको बता दूं नोएडा प्राधिकरण द्वारा बनवाया गया है। उस पार्क में ऋषि मुनियों खासकर हमारा जो भारत का कल्चर है इतिहास है संस्कृति है उसके द्वारा उसको बताया जाए उत्तर प्रदेश का ये ऐसा पहला पार्क होगा। उसके बाद ये ग्रेटर नोएडा जाएंगे, ग्रेटर नोएडा में यूपीएससी टॉपर इशिता किशोर के साथ अन्य तीन लोगों से मुलाकात करेंगे वार्ता करेंगे। वहीं ग्रेटर नोएडा में टेक्नोलॉजी करके एक रोबोटिक कंपनी है वहां जाकर उसका उद्घाटन करेंगे, कंपनी रोबोटिक कंपनी जो रोजगार मुहैया कराएगी और तकरीबन वहां लाखों जो रोबोट वो बनाए जाएंगे। दूसरी बात वहां अपने अधिकारियों और नेताओं के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे 2024 को लेकर जिस तरीके से हम देख रहे हैं तमाम जो पार्टी तैयार हुए हैं बीजेपी भी इस रंग में कूद चुकी है और लगातार हम देख रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को नोएडा से साधने की कोशिश की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नोएडा आए थे और अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन लंच किया था और इन्होंने बताया था किस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें पश्चिम उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा सीट है और वहां से जितने कि उन्होंने सारे जनप्रतिनिधियों को बोला और कार्यकर्ताओं को बताया किस तरीके से अपने अच्छे काम आप लोगों के बीच जाइए बताइए किस तरीके से जो योगी और मोदी की सरकार है प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए लाभकारी है। देखिए कुछ ही देर में जो मुख्यमंत्री है यहाँ पहुंचेंगे, बहुत ही सुंदर तरीके से इस पंडाल को सजाया है, तमाम चीजें देखिए साफ तौर पर लिखा नोएडा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1718 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की 124 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री आएंगे और चीजों को यहाँ बताएंगे किस तरीके से जो नोएडा की जनता है उनको 124 परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा देखिए पीछे अगर मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है, खास तौर पर हम देखेंगे कि यहाँ तमाम जो महिलाएं तमाम जो बच्चे स्कूली छात्र यहाँ मौजूद है, लगातार यहाँ जय श्री राम और योगी योगी के नारे लग रहे हैं और पंडाल का माहौल देख के लग रहा होगा किस तरीके से महेंद्र जो लोग दे रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जो दर्शक हमारे ये तस्वीरें भी देख रहे हैं इससे अंदाजा लगा सकते होंगे कि भारी हुजूम देखने को मिल रहा है। आसपास अगर लोग हैं तो एक बार उनसे बात करने की कोशिश जरूर कर रहा है, कोई कार्यकर्ता हो तो बात करने का प्रयास करें एक बार। बिल्कुल अभी हम पंडाल के उस बीच में जहाँ बस मीडिया के अलाउ है, हम थोड़ी देर बाद वहाँ जाएंगे बताएंगे पूछेंगे कार्यकर्ताओं से किस तरीके से योगी जी का वो इंतजार कर रहे हैं उनके मन में क्या है क्योंकि देखिए नोएडा में योगी जी पहले नहीं इससे कई बार आ चुके हैं। नोएडा में एक मृतक रहा करता था जब अखिलेश यादव की सरकार थी और उससे पहले बसपा की सरकार थी तो नोएडा का ये मृतक रहा करता था कि कोई भी मुख्यमंत्री अगर नोएडा आता है तो अगली बार वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सारे मृतक तोड़ के तीसरी चौथी बार नोएडा का दौरा कर रहे हैं और लगातार बंपर वोटिंग के साथ उनकी जीत हो रही है। अगर मैं पीछे दिखा रहा हूँ देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो वहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे उनसे बात करने की कोशिश करूंगा मैं। कई तरह के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री बोलिए मैं थोड़ी कोशिश करूंगा कि कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनसे बात करने की कोशिश एक बार आपको बताना पड़ेगा जब थोड़ी बात करने की तो मंच के सामने से क्या आवाज गूंजनी चाहिए। मुख्यमंत्री का आप इंतजार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, क्या है दिल में आपको इंतजार? इंतजार उनकी की जाती है जो जिन जो हमारे साथ होनी है वो हर वक्त हमारे साथ है, बस अंदर इतना है कि आज उन्हें साक्षात रूप में उनका नजर लगता है। ये बताइए भारी भारी बारिश के कारण फिर भी सैकड़ों की संख्या में आप पहुंच रहे हैं। देखिए ये भाजपा की कार्यकर्ता की कमिटमेंट है जो हर हाल में हर कीमत पे हमें अपना साथ निभाती है। बिल्कुल देखिए लोगों का साफ तौर पे कहना भारी बारिश के कारण भी लोग यहाँ योगी की एक झलक देखने आए, तमाम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। मैडम ये बताइए कब से इंतजार कर रही है महाराज जी का? सारे लोग से एक घंटा हो गया, एक घंटा।
एक घंटा हो गया, जो लोग हैं सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, बस एक झलक मिल जाए, क्योंकि देखिए सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद है, भारी बारिश के कारण भी यहाँ लोग शुरू से बैठे हैं, सुबह से बैठे हैं, बस ये सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री आए उनकी एक झलक। तस्वीरें आपको बताएंगे किस तरीके से जो सैकड़ों की संख्या में लोग हैं वो यहाँ मौजूद है। और केवल ठीक है, वही खबर पर आप नजर बना रखिएगा, दोबारा आपके पास एक बार फिर से लौटे।